दोस्तों फिल्म उद्योग की पसंदीदा जोड़ियों में से एक कही जाती है एक्ट्रेस सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की जोड़ी। दोनों स्टार्स जल्दी फिल्म लव आजकल के जरिए बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। मगर कुछ वक्त पहले तक सारा अली खान और कार्तिक आर्यन के अफेयर से जुड़ी कोई न कोई खबरें आती रही हैं। इससे पहले यदि आपको भी कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की जोड़ी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जिसमें ऐसा भी कहा गया है कि काम में बिजी होने की वजह से दोनों स्टार्स अपने कैरियर पर ध्यान लगाएंगे, इस वजह से उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया है। अब हाल ही में कार्तिक आर्यन ने खुद सारा अली खान से ब्रेकअप वाली बातों पर अपनी पहली बार चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल बीते 30 अक्टूबर के दिन अनन्या पांडे ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इसी दौरान वह कार्तिक आर्यन के साथ डिनर पर गई थी। हालांकि दोनों स्टार्स अलग अलग स्पॉट हुए थे, जिसके बाद से अफवाह आने लगी थी कि कार्तिक और सारा के बीच दूरियां होने का कारण अनन्या पांडे ही है। वहीं कार्तिक आर्यन ने इन अफवाहों पर रोक लगाते हुए कहा कि उन्होंने अनन्या पांडे के साथ खाना क्या खा लिया तो सब उनसे सवाल करने लग गए एक इवेंट में पहुंचे कार्तिक आर्यन से जब सारा से ब्रेकअप को लेकर सवाल किया गया, तब एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि दो रोटियां अनन्या पांडे के साथ तोड़ ली, सबने पूछना शुरू कर दिया। मैंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ एक विज्ञापन भी किया था जिसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, लेकिन उसके बारे में तो मुझसे किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। वर्क फ्रंट की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन जल्दी फिल्म पति पत्नी और वो में दिखाई देंगे। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया है। यह फिल्म इस साल 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म के अलावा कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 और भूल भुलैया 2 में मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे।